आज आपने कहा कि राणा सनाउल्लाह साहब खान साहब को कत्ल करवाना चाहते हैं, ये एक बयान है, आपके पास कोई शवाहिद है या आप मतलब है ये? जी मैं बताती हूँ। जी जरूर बताइए। देखिए मकसद ये है कि जिस दिन ये सानिया हुआ है वजीराबाद के अंदर जी, इन लोगों ने एक घंटे के अंदर वहाँ का जो डीपीओ था उसने वो रिकॉर्डिंग करके और सारा कुछ ही के जी ये मजहबी रंग देने की कोशिश की उसको जी। और उस वक़्त भी मैंने भी आई हर्ड रैपिड बर्स्ट ऑफ फायर नॉट फ्रॉम वन पर्सन, मैंने हमने अपने कानों से सुने, हम तो वहाँ मौजूद थे जी। और फिर सबसे बड़ी बात है खान साहब ने भी सुने। और जब ये कहा गया कि इसके अंदर यह हुकूमत मुलव्वस है, इसके अंदर राणा सनाउल्लाह शहबाज शरीफ ये सारे कुछ मुलव्वस हैं, आपके सामने जो इस वक्त जो बंदे अंदर हैं उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उसके ऊपर कि इमरान खान को मतलब ख़त्म कर देना चाहिए, ये सारी बातें हैं सामने ना। तो ये बाय नो चांस ये इस वक्त जो हालात ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो खान साहब के खिलाफ जो ये असैसिनेशन अटैम्प्ट थी बाकायदा ऑर्केस्ट्रेटेड अटैम्प्ट थी, और इसके अंदर हुकूमत डेफिनेटली मुलव्वस है और इसके अंदर सनाउल्लाह डेफिनेटली मुलव्वस है। वजह ये है तो बेचारा पहले का कातिल है, आपको पता है पुराना कत्ल करने okay, वाला तो बंदा आपका मौकिफ है कि हुकूमत में राणा सनाउल्लाह साहब जो है इसके पीछे हो सकते हैं और आप ये कह रहे हैं कि उनको कत्ल करने से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदी तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।